दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एक और नई जॉब्स की वीडियो में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए जॉब्स की अपडेट जो कि रहने वाली है सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा से, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के जो है विभिन्न कैटेगरी के पद भरे जाने वाले हैं और ये सारे पद जो रहेंगे आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर ये पद भरे जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे जो पहला पद यहाँ पे भरा जाएगा वो रहेगा मेडिकल ऑफिसर का, और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपकी जो है MBBS डिग्री होनी चाहिए और OBC कैटेगरी के थ्रू जो है ये पद भरा जाएगा। 25,000 पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी और जो इसके एज लिमिट रहेगी वो 18 से 50 वर्ष के बीच में जो है आपकी एज होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है 500 रुपये का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा जो कि आप PNB बैंक, केनरा बैंक, SBI बैंक और KCCB बैंक से आप बना सकते हैं और ये नॉन रिफंडेबल रहेगा। और जो आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा ये बनेगा आपका इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा जो कि पेएबल होगा एट सुजानपुर टीरा में। और दोस्तों कुछ इस तरह का इसका ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, इसका ये आप जो है नोटिफिकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पूरी कंबाइंड नोटिफिकेशन का लिंक जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इस तरह दोस्तों हम बात करें जो अगला हमारे पास पद रहेगा ये काउंसलर का पद रहेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर पद भरा जाएगा। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम यहाँ पे बात करते हो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए MA MSc होनी चाहिए इन साइकोलॉजी में, साथ में आपका 1 ईयर डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपका होना चाहिए। इसके लिए ये जो पद रहेगा आपका अनरिजर्व कैटेगरी से पद भरा जाएगा। सैलरी की हम बात करें तो इसके लिए सैलरी आपकी 44,900 रुपये रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसके लिए भी दोस्तों अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम रहेगा आपका, 500 रुपये का आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा और आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है एनवलॉप के ऊपर जो है 25 रुपये का जो है पोस्टल टिकट लगाने होंगे। इसका भी जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों जो अगला हमारे पास जो यहाँ पे जो ये पद रहेगा वो रहेगा हमारे पास नर्सिंग सिस्टर का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका नर्सिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, 5 ईयर का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। OBC कैटेगरी से ये पद भरा जाएगा। 25,000 रुपये इसके लिए सैलरी मिलेगी। 18 से 50 वर्ष के बीच में जो है आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। साथ में जो है आपका ये आगे पद रहेगा PEM PTI का मैटर्न का पद रहेगा। इसके लिए दोस्तों क्या है आपकी बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए, 4 ईयर डिग्री कोर्स साथ में, या आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 1 ईयर का आपकी BPED होनी चाहिए साथ में आपकी, या आपकी BSc फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में होनी चाहिए प्लस 1 ईयर का आपका BPED डिप्लोमा होना चाहिए। और साथ में जो है ये जो पद रहेगा आपका ये पद आपका OBC कैटेगरी से भरा जाएगा और इसके लिए जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपकी 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। 18 से 50 वर्ष के बीच में जो है आपकी एज होनी इसमें एज होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों जो आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो 300 रुपये का बनेगा और जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा आपका वो इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा के नाम से बनेगा। और इसके लिए भी दोस्तों आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है सेल्फ एड्रेस एनवलॉप के ऊपर जो है 25 रुपये का जो है पोस्टल टिकट जो है अंदर लगाने होंगे डॉक्यूमेंट के साथ जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों इसका कुछ इस तरह का रहने वाला है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। दोस्तों हम आगे बात करते हैं जो हमारे पास अगला पद रहेगा वो रहेगा हमारे पास TGT संस्कृत का, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी रहने वाली है आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए, आपकी जो डिग्री है वो संस्कृत में होनी चाहिए इसी तरह दोस्तों, या साथ में जो है आपका CTET क्वालिफाइड होना चाहिए और आपकी BEd होनी चाहिए और आपको DRAB में क्या है कंप्यूटर वगैरह की जो नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों जो ये जो पद रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी से पद भरा जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको सैलरी दी जाएगी वो 30,000 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी रहेगी। 21 से 35 वर्ष के बीच में आपकी जो है एज होनी चाहिए। दोस्तों इसके लिए भी जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो 500 रुपये का बनेगा और आपको जो है 25 रुपये के जो है एनवलॉप के 25 रुपये का जो है पोस्टल टिकट जो है सेल्फ एड्रेस एनवलॉप के ऊपर लगाने होंगे जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है साथ में लगाना होगा। इसके लिए दोस्तों जो इन पदों के लिए जो है फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट रहेगी आपकी वो रहेगी 6 अगस्त 2024 तक जो है आप अपना आवेदन कर सकते हैं। आपको जो अपना आवेदन करना होगा वो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा के एड्रेस के ऊपर आपको जो है अपना आवेदन सबमिट करवाना होगा। दोस्तों एप्लीकेशन जितने भी ये पोस्ट हैं इसका कंबाइंड नोटिफिकेशन का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारे पास जॉब्स की अपडेट। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट अपडेट में। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।